गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक क्या है? क्लास नाइन्थ में पॉलीनोमियल्स में फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। आज अपन लोग फैक्टराइजेशन करेंगे किसका? क्यूबिक पॉलीनोमियल का। देखिए कैसे करते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल फैक्टराइजेशन। यहां पे अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि डिग्री 3 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? 1 है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यदि 1 है तो आपको क्या देखना है? फिर लास्ट वाला देखना। लास्ट में क्या है? 20। क्या है? 20। तो लास्ट में 20 है, तो 20 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं? तो सारे फैक्टर्स अपन लोग यहां पे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होंगे? देखिए यहां पे 21 से भी डिवाइड हो सकता है, 22 से भी डिवाइड हो सकता है, 24 से भी डिवाइड हो सकता है, 20 जो है 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी। अब इनको क्या है? पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो प्लस माइनस सभी में लगा देंगे। क्लियर है? तो प्लस माइनस जब सभी में लगा देंगे तो आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 तो पॉजिटिव और 6 कैसे नेगेटिव, मतलब 12 टोटल आपके फैक्टर्स मिल गए, 12 टोटल आपके रियल नंबर्स मिल गए। इन रियल नंबर्स को पॉलीनोमियल में x की प्लेस पे पुट करेंगे। जब x की प्लेस पे पुट करेंगे और x की प्लेस पे पुट करने पर अगर पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, क्या जाती है? 0, तो कोई एक रियल नंबर से बना हुआ पॉलीनोमियल इसका फैक्टर कहलाएगा। ऐसे अब क्यूबिक पॉलीनोमियल है, कितने फैक्टर्स होंगे? 3। कितने फैक्टर्स होंगे? 3। तो 12 में से कोई भी 3 वैल्यू पे ये पॉलीनोमियल 0 हो जाएगा, वो उसके अपन लोग फैक्टर्स निकाल लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अपन लोग किसी एक फैक्टर को चूज करेंगे, अगर उस पे पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर अपन लोग जो थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज करेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं माइनस वन से। क्या करता हूं? मैं ट्राई करता हूं कि माइनस वन पे, मतलब कि ऑन पुटिंग, क्या पुट कर रहा हूं मैं? एक्स इक्वल टू माइनस वन। जब x इक्वल टू माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन यहां आएगा, माइनस वन का होल क्यूब प्लस 30 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, 32 इंटू माइनस वन प्लस 20। तो देखिए यहां माइनस वन का होल क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस वन। क्लियर है? क्योंकि माइनस का होल क्यूब क्या होता है? माइनस ही होता है। ठीक है, वन का होल क्यूब वन ही आएगा, तो माइनस का होल क्यूब माइनस वन, 30 माइनस वन का होल स्क्वायर वन होता है। क्या होता है? 32 इंटू माइनस वन तो माइनस के 32 प्लस 20 तो माइनस वन, 30 माइनस 32 प्लस 20। तो अपन लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन वाले घटते और नेगेटिव साइन वाले घटते, मतलब माइनस के 1 और माइनस के 32 माइनस के 33 और 30 और 20 कितना होगा? 33। देखिए यहां पे ये क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। क्लियर है? तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 पुट करने पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब क्या होगा? मतलब अपन लोग x इक्वल टू माइनस वन ले रहे थे, तो अब माइनस वन को इस साइड लेके आएंगे तो x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x प्लस वन इसका एक फैक्टर हो गया। ऐसे ही अपन लोग इन वैल्यूज में से कोई सी भी 3 वैल्यूज, मतलब कि सभी जो रखे रहेंगे, सभी को ट्राई करेंगे, जिसपे 0 हो जाएगा वही इसका फैक्टर। अब तीन ही फैक्टर आए क्योंकि डिग्री कितनी है? 3। तो ऐसा करते रहेंगे। तो ये आपको क्या है? मेथड है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड या डिवाइडेंड जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना, जो भी आप बोलते हो, तो डिविडेंड का मतलब क्या है कि जिसको अपन लोग डिवाइड करते हैं, डिविजर का मतलब क्या है या डिवाइजर का मतलब क्या है, जिससे अपन लोग डिवाइड करते हैं, कोसेंट जो निकल के आता है, ठीक है, और रिमाइंडर जो आपका नीचे बचता है। अगर पॉइनोमियल में इसको देखें तो पीएक्स इज इक्वल टू डिविजर मतलब जी एक्स, कोशेंट मतलब क्यू एक्स और रिमाइंडर मतलब आर एक्स। ये कहानी होती है, इसका अपन यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे डिविडेंड क्या है, पीएक्स, तो पीएक्स इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया आपने, क्या फैक्टर आया, क्या फैक्टर आया, एक्स माइनस वन, क्या आया, एक्स माइनस वन, मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर आया, क्या आया, फैक्टर। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो कोशेंट आएगा क्या आएगा, कोशेंट, तो कोशेंट ऑफ क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपन लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर की जगह अपन ने क्या रख दिया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स, पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या बचेगा, क्यू एक्स। तो अपन लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो अपन लोग करेंगे इस पी एक्स पॉलीनोमियल को क्यू एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, क्यू एक्स से नहीं, एक्स प्लस वन से, किससे, एक्स प्लस वन से। देखिए एक्स प्लस वन से अपन लोग एक्स क्यू प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस के 20 इसको डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट आए उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो पी एक्स के तीनों फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि अपन को ये वाली कंडीशन पता है, मतलब यहां पे पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन इंटू क्यू एक्स, क्लियर है, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करना तो आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, मतलब एक्स क्यू को एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, क्यू है यहां पर है डिवाइडेड पावर माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर से वन को मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहां माइनस तो माइनस के नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का और माइनस का 13 में से बन गया 12x स्क्वायर प्लस 32x, इसको को यहां पे लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस 20 इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए x है 12x स्क्वायर है, x में किसका मल्टीप्लाई करें, 12x स्क्वायर आ जाए, 12x का किसका, 12x का मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर आएगा, और प्लस 12x माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, 32 में से 12 गया, कितना बचा 20x, कितना बचा 20x, प्लस का 20 कितने का मल्टीप्लाई करेंगे x में, 20 का कर दीजिए तो 20x और 20 बन गया 20, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, जीरो, रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया, क्लियर है, रिमाइंडर क्या आया, जीरो, क्योंकि x प्लस 1 तो फैक्टर था ही, अपन ने निकाल ही लिया। अब जो कोसेंट आएगा उसके फैक्टर्स और कर लेंगे, अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टर करना हमने आपको सिखाया, इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ बेटा देखिए, अब क्यू एक्स कोशेंट क्या है, ये मतलब क्यू एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। पिछले लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टर करना आपको बताया था, कैसे करेंगे, 1 है 20 है तो 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा 20, इन फैक्टर्स को ऐड कीजिए या सबट्रैक्ट कीजिए, 12 आना चाहिए, तो 20 1 ऐड करूंगा कितना आएगा 21, फैक्टर मतलब 12 आना चाहिए, 21 नहीं चाहिए अपन को, क्या आएगा 20 में 1 माइनस करूंगा 19 आएगा, क्या चाहिए अपन को 12 चाहिए, नहीं तो 20 के और कैसे ऐसे फैक्टर्स होंगे 12 आ जाए, देखिए आप 10 2 या 20 और 10 में 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 12, तो देखिए यहां पे x स्क्वायर प्लस 10x 2x और 20 को क्या लिख दूंगा मैं 10 into 2 कॉमन लेंगे दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 10 और इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10 मतलब x प्लस 10 और x प्लस 2, क्लियर,
x plus 10 and x plus 2. तो देखिए यहां पे तो px का px क्या था, x plus 1 into qx. तो x plus 1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x plus 2 आ गए, x plus 10. तो देखिए यहां पे qx की प्लेस पे x plus 2 और x plus 10. तो आपका px क्या था, x cube plus 13x square plus 32x plus 20 is equal to x plus 1, x plus 2 और x plus 10. तो देखिए x की वैल्यू माइनस 1, जब इसको हम 0 के ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1, यहां पे x वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू माइनस 10. ये 20 के फैक्टर्स थे, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 2, जिस पे px की वैल्यू मतलब पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही थी. तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज को रख के देखेंगे, जिस पे पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो उसके फैक्टर्स और फिर उसको 0 इक्वल रखे, इस तरीके से फैक्टर्स निकाल लेंगे. या फिर दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया कि आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, एक फैक्टर आप निकाल लेंगे उस तरीके से, फिर उस फैक्टर से px को डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट आएगा उसके फिर से फैक्टर्स करेंगे. क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा उसके फैक्टर्स करेंगे और इस तरीके से इस पर रख देंगे, तो तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे, px की वैल्यू x + 1 + 2 है क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ था. इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, नोट कीजिए इसको आप. हाँ बेटा देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, px is equal to x cube minus 23x square plus 142x minus 120. इसको अपन लोग फैक्टर्स करेंगे. तो क्या बताया था मैंने, लास्ट वाला मतलब कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ माइनस 120. तो सबसे पहले 120 की देखेंगे तो क्या ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 के बाद 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 के बाद 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 के बाद 40 से डिवाइड हो जाएगा, 40 के बाद 60 से डिवाइड हो जाएगा, 60 के बाद 120 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है, इनसे डिवाइड हो जाएगा. आप इन सब में क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, मतलब कि इतने फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, लेकिन है क्या, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, तीन ही फैक्टर्स चाहिए आपको. तो इतना आप रखते रखते क्या हो जाएंगे, उस वाले मेथड से बहुत टाइम लगेगा चेक करने में. तो जो पहले हमने पिछले क्वेश्चन में हमने मेथड बताया उसका यूज करेंगे. हम क्या करेंगे, यहां पे ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे या माइनस 1 रखेंगे. ठीक है, क्लियर. सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो ऑन पुटिंग, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 1. जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो p1 मतलब 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का स्क्वायर माइनस 1 भी आप रख सकते थे. तो जो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अगर 0 आ जाता है तो उसका फैक्टर मान लिया जाएगा. तो 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120. तो बेटा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 23 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 23 आएगा, 142 इंटू 1, 142 माइनस के 120. अब ये पॉजिटिव साइन वाले अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 143 हो जाएगा, नेगेटिव साइन वाले ऐड हो जाएंगे तो माइनस 143, क्या आ गया, 0. मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पे पॉलीनोमियल क्या हो गया, 0. मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 1 मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. मतलब क्या लिखेंगे अपन लोग, क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. px का फैक्टर क्या है, x माइनस 1 आ गया. जब x माइनस 1 px का फैक्टर आ गया तो क्या लगाएंगे अपन लोग, डिवीजन एल्गोरिथम. क्या था, px इज इक्वल टू gx इनटू qx और प्लस rx. तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही,
क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहती है तो px इज इक्वल टू gx। अब आप किससे डिवाइड करोगे, फैक्टर ये है तो x माइनस 1 से डिवाइड करोगे qx, रिमाइंडर क्या आएगा जीरो। तो मतलब अब आपको x माइनस 1 से px को डिवाइड करोगे x माइनस 1, क्योंकि ये डिवीजर होता है, डिवाइजर होता है, इसको आप डिवाइड करोगे qx आएगा उसको फैक्टर्स करोगे। तो करते हैं डिवाइड, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है आपको किसको, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस के 120। x में किसका मल्टीप्लाई किया है, x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर का कर देते हैं मल्टीप्लाई, x क्यूब आएगा माइनस के x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, माइनस का 23 और प्लस का 1, माइनस का 23 प्लस का 1 मतलब कि कितना हो जाएगा, माइनस 23 प्लस 1 मतलब कि माइनस के 22, तो माइनस के 22 एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 142x माइनस के 120। अब क्या करेंगे, x में किसका मल्टीप्लाई करें माइनस 22x स्क्वायर, तो माइनस 22 और x का कर दीजिए, माइनस 22x का इसमें करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 22x, साइन चेंज तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस और माइनस वाले कैंसिल आउट, 142 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 120x माइनस 120। अब किसका मल्टीप्लाई करें, तो 120 का मल्टीप्लाई करिए, तो 120x माइनस 120 माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट क्या है जीरो, रिमाइंडर जीरो। तो qx इक्वल टू क्या मिला आपको, qx इज इक्वल टू मिला x स्क्वायर माइनस 22x प्लस के 120। अब आपको इसके फैक्टर्स कर लेने हैं, तो फैक्टर्स कैसे करेंगे, यहां पर है, यहां 120 है, तो x स्क्वायर 120 इंटू 1 करेंगे 120, तो 120 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 22 आना चाहिए, क्लियर। तो हम ये करेंगे 12 and 120, 12 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 22, लेकिन माइनस का चाहिए है तो माइनस का चाहिए, तो यहां माइनस लगाएंगे तो इधर भी साइन चेंज, इधर भी साइन चेंज, मतलब 22 को माइनस के 12x माइनस के 10x प्लस के इसको क्या लिखेंगे 20 into 10 इसको लिखेंगे 12 into 10, क्लियर। कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 आएगा, यहां पे माइनस है, माइनस आगे कॉमन लिया और दोनों में 10, अब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सही कर रहे हैं, तो x माइनस 12 दोनों जगह आ रहा, तो x माइनस 10 और x माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस 10 बचा, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए x माइनस 10 x माइनस 12। तो अपन लोग px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और qx की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो यहां पे 1 2 3 फैक्टर्स आ गए, तो ये तरीका हमारे हिसाब से बेस्ट है, इसको आपको ट्राई कीजिए, और भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में होंगे, इवन पॉइंट नंबर के कुछ इजी होंगे डायरेक्टली कॉमन लेने पे आ जाएंगे, कुछ कॉमन लेने पर नहीं आ रहे होंगे, तो आपको इस तरीके से करना। थैंक यू।